राजसमंद झील लबालब होने के साथ हर्षाया हर मन। जी हाँ, इस बार बारिश का दौर रिमझिम से तेज चलता रहा और देर ही सही धीरे धीरे खारी फीडर के माध्यम से राजसमंद झील लबालब हो गई, जिसमें 28.10 फीट पानी आया है और इसके साथ ही 26 अक्टूबर शाम 5 बजे के करीब खारी फीडर से पानी बंद कर दिया गया। अब गोमती नदी से मामूली पानी की आवक बनी हुई है, लेकिन वह नाकाफी है। तभी 28 फीट के करीब राजसमंद झील भरी हुई हैं और लबालब इस नज़ारे को देखने के लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में लोग नौचौकी पाल और एरिसन गार्डन पर भी पहुंच रहे हैं और लबालब यह झील का नज़ारा हर किसी को मन मोह रहा है। साथ ही जलदाय विभाग भी निश्चिंत हैं कि अब राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए देखा जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अब झील लबालब हुई है तो दूसरी तरफ किसानों की भी उत्सुकता बढ़ी है कि वो भी अपने क्षेत्र में नहरों से पानी ले जाए सिंचाई के लिए और खेतों में सिंचाई करें। इसको लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं। खारी फीडर के जो 57 दिन तक चली दिन रात और राजसमंद झील में लगातार पानी की आवक हुई, झील किनारे नहाने के लिए भी बड़ी लोग पहुंच रहे हैं तो झील के इस अलौकिक नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक नौचौकी पाल है, पाल के साथ झील का नज़ारा भी मनोरम बन पड़ा है। साथ ही नौचौकी पाल पर घेवर माता अम्बा माता का मंदिर है और मंदिर की चौखट को राजसमंद झील का यह पानी चूम चुका है, चौखट तक पहुंच चुका है और जैसे ही चौखट तक राजसमंद झील का ये पानी पहुंचा तो जो अम्बा माता का मंदिर है उसका भी मनोरम दृश्य देखने ही बनता है। माता के दर्शन के लिए शहर से व ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चौखट को जो चूम रहे हैं राजसमंद झील का ये पानी, वहाँ पर नमन कर रहे हैं लोग, पूजा कर रहे हैं। नाथद्वारा में बागेरी बांध के ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी नंदसमंद में पहुंचा और नंदसमंद से फिर खारी फीडर के जरिए राजसमंद झील को भरने के लिए पानी छोड़ा गया। नंदसमंद की भराव क्षमता 32 फीट है, उसके ओवरफ्लो होने के बाद 30 फीट वाली राजसमंद झील में अब तक 28.10 फीट पानी भर चुका है, करीब 2 फीट पानी अब खाली रहा है। ऐसे में राजसमंद झील लगभग लबालब सा नज़ारा जो दिख रहा है, इस नज़ारे को देखने के लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार सीजन की जो बारिश हुई, इस बारिश के बाद सबसे सर्वाधिक बारिश देवगढ़ भीम क्षेत्र में हुई और उसके बाद धीरे धीरे राजसमंद नाथद्वारा क्षेत्र में भी बारिश का दौर चला और इसके चलते बागेरी जैसे ही छलका, बागेरी छलकने के बाद बनास नदी का पानी यह नंदसमंद बांध पर पहुंचा। नंदसमंद जो 32 फीट की भराव क्षमता का है वह ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद 31 अक्टूबर को खारी फीडर से राजसमंद झील के लिए पानी खोला गया। उसके ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी खोला गया था और उधर बनास नदी में भी रेलमगरा होकर पानी मातृकुंडिया बांध तक भी पहुँचा। इसके बाद लगातार झील में पानी की आवक लगातार बनी रही। नंदसमंद में पानी की आवक कम होने पर 26 तारीख को शाम करीब 5 बजे के आसपास खारी फीडर में पानी बंद कर दिया गया। इसके कारण करीब 57 दिन तक खारी फीडर के माध्यम से पानी राजसमंद झील में पहुंचा और झील का जो गेज है वो लगातार बढ़ता गया। 30 फीट की भराव क्षमता का है और 28 से ऊपर पानी अब तक पहुंच चुका है। करीब 2 फीट या 2.25 फीट के आसपास अब झील खाली रही हैं, जो ओवरफ्लो के करीब, जो ओवरफ्लो जिसका है उस ओवरफ्लो के आसपास पानी पहुंच चुका है। दोनों ही तरफ से राजसमंद झील का नज़ारा काफ़ी मनोरम और सुंदर दिखाई देता है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से देखा जाए, सेवाली हो या नौचुकी पाल हो या एरिकेशन गार्डन या वासोल, चारों तरफ से लबालब नज़ारा राजसमंद झील का दिखता है।
इस मार्ग से चारों तरफ से आवाजाही करने वाले लोग भी एक बार इस झील के इस मनोरम दृश्य को देखकर हर कोई रुक जाता है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को गोमती नदी का पानी राजसमंद झील में पहुंचा था और इस दौरान झील का जल स्तर उस वक्त 16.50 फीट था और इस तरह आप देख सकते हैं अभी जो वर्तमान में 28.10 फीट पानी इसका है, तो 16.50 16.5 फीट के बाद जितना ही पानी आया है वो गोमती नदी और खारी फीडर के माध्यम से राजसमंद झील में पहुंचा है। उसके बाद खारी फीडर को खोलने पर झील स्तर जल स्तर जो खोला गया है उसमें 31 अगस्त को झील का जल स्तर 17.40 फीट था और अब राजसमंद झील का जो जल स्तर है 28.10 फीट हो चुका है। इस तरह लगातार पानी की आवक इसमें हुई और अब लबालब भर चुकी हैं। इसके साथ ही अब जल संसाधन विभाग द्वारा क्षेत्रीय किसानों के लिए भी पानी छोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर आज राजसमंद में एक बड़ी बैठक है किसानों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की। उसमें तय होगा कि कितना पानी कब कब किस क्षेत्र में छोड़ना है। हालांकि आपको बता दें कि जो नहरें हैं उनकी सफाई को लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि बड़ा सवाल है। साथ ही हर बार ये बात उठती रही है कि राजसमंद झील से जो सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है उसमें बड़ी तादाद में पानी व्यर्थ बहता है, जिसकी वजह से राजसमंद झील खाली हो जाती हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए पानी व्यर्थ न बहें और जितना भी पानी सिंचाई के लिए जाए वह सभी पानी खेतों में जाए और व्यर्थ पानी न बहें। इसको लेकर क्या कुछ प्रबंध जल संसाधन विभाग करेगा यह देखने वाली बात होगी। साथ ही किसानों को भी इसमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि व्यर्थ पानी किसी भी तरह से न बहें। झील में अगर देखें तो कुल मिलाकर राजसमंद क्षेत्र के 45 गांव हैं जहां पर सिंचाई होती हैं। इसके अलावा नाथद्वारा क्षेत्र के 7 गांवों में भी इस झील से सिंचाई की जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर 700 MCFT PhD के लिए पानी राजसमंद झील से रिजर्व रखा जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजसमंद क्षेत्र के 45 गांवों में 10,144 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है और नाथद्वारा क्षेत्र के 7 गांवों में 467 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई होती है। अब आपको बता दें कि जो खारी फीडर हैं, इस खारी फीडर में भी खास तौर से जैसे ही खारी फीडर का पानी राजसमंद झील में बंद हुआ है, इसके साथ ही खारी फीडर के चौड़ा करने के कार्य भी जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। इसको लेकर तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है, वहां से स्वीकृति मिलते ही जल्द ही जल संसाधन विभाग द्वारा दोबारा टेंडर जारी किए जाएंगे और फिर इस खारी फीडर को चौड़ा करने का कार्य शुरू करेंगे। जल संसाधन विभाग के एक्शन प्रतीक चौधरी ने मीडिया को बताया कि खारी फीडर बंद हो गई हैं और खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए तकनीकी स्वीकृति मिलते ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इस कार्य को करीब 30 माह पूर्ण होने में लगेंगे। इस तरह देखा जाए तो अगले सीजन के बाद ही यह इस खारी फीडर के चौड़ा करने का कार्य पूर्ण हो पाएगा। इसको लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और आज खास तौर से राजसमंद झील का पानी जो किसानों के लिए छोड़ा जाएगा सिंचाई के लिए, उसमें पानी व्यर्थ न बहे, इसको लेकर प्रशासन और जल संसाधन विभाग क्या कुछ बड़ा कदम उठाता है और किसान इसको लेकर क्या कुछ अपना पक्ष रखते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी राजसमंद झील में भरा रहे और किसानों के खेतों की सिंचाई भी पर्याप्त हो जाए। लेकिन हर बार यह सवाल उठता रहा है कि राजसमंद झील में सिंचाई के वक्त जो पानी बड़ी तादाद में व्यर्थ बहता है, उस व्यर्थ बहते पानी को कैसे रोका जाए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।